हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल दोस्तों सभी को राधे कृष्णा वेलकम स्वागत आप सभी का गुड आफ्टरनून कैसे हो आप लोग मुस्कान सिंह जी श्याम जी गुड आफ्टरनून राधे कृष्णा कैसे हो आप लोग स्वागत आप सभी का यूजीसी नेट जे के पेपर फर्स्ट की सीरीज में और मेरे दोस्तों जो एग्जाम अभी नेट यू जी का हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको जो सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास होती है जो लाइव टेस्ट होता है अपना पेपर फर्स्ट का लगभग लगभग क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं पुराने ओल्ड पेपर के आसपास के व्याख्या से क्वेश्चन बन रहे हैं खूब सारे तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है आईसीटी का जो रिवीजन क्लास था आपका जिसमें हमने पार्ट एक पूरा कर लिया था पार्ट इसका दूसरा है जिसको आज अपन पूरा कर लेंगे कंप्लीट इसका तो थोड़ा सा अगर आप पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवाई दी थी है, इसकी फिर भी अगर आपको लगे तो दोबारा और दे देंगे आपको कल अपन टीचिंग एप्टीट्यूड का रिविजन करने वाले हैं कंप्लीट और बढ़िया तरीके से आवाज आवाज सही आ रही है मेरी आप लोगों तक राधे कृष्णा राधे कृष्णा सबको राधे कृष्णा अन अकेडमी पे मेरे मित्रों पेपर वन के साथ में कंप्लीट पेपर टू सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलता है रेफरल कोड राजेंद्र टेन यूज करना है ये प्रोफाइल है राजेंद्र शर्मा के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो ये बेनिफिट आपको अवेलेबल है सारे के सारे और दिला भी सकते हो आप ले भी सकते हो मेरे दोस्तों और बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे पढ़ने के लिए ये टेलीग्राम की लिंक है आप फॉलो कर ले जिससे क्लास यूट्यूब की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरे परम मित्रों यहाँ पे आईकोनिक और प्लस दो मॉडल है आईकोनिक में पर्सनल गाइडेंस टेस्ट का एनालिसिस एक्सपर्ट की गाइडलाइन स्टडी प्लानर मिलता है बेनिफिट सब ज्यादा आइकोनिक में मिलते हैं आपको इसमें मेरे मित्रों पर्सनल कोच भी है बूस्टर सेशन भी है डाउट सोल्व सेशन भी है जबकि प्लस में आपको ये बेनिफिट मिलते हैं अन अकादमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैंने जोर गोल में जाना है एनटीए यूजीसी नेट डालना है आइकॉनिक पे क्लिक करना मंथ आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा आप ये रेफरल कोड यूज कर लेना राजेंद्र टेन यदि आपको प्लस लेना है तो प्लस पे क्लिक करना मंथ आप इसमें से सेलेक्ट करना फीस में 10% का आपको मिलेगा ये रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र 10 मेरे दोस्तों जिस प्रकार से पर प्लस क्लास होती है वैसे स्पेशल क्लास भी होती है और इनके फीचर हैं लाइव क्लास होती है पोल का सिस्टम है राइट हैंड का ऑप्शन है क्लास आपकी मिस नहीं होती है कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं आईसीटी के ऊपर बात करेंगे तो आईसीटी में कुछ पार्ट अपन ने पढ़ लिया था आईसीटी में कुछ पार्ट अपन ने पढ़ लिया था उससे आगे के पार्ट की अपन चर्चा करेंगे एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना आप मुस्कान श्याम जी जहां भी कर सकते हो क्योंकि तो सभी बच्चों का भला होना चाहिए ये कंप्यूटर का सामान्य परिचय ये अपन ने कर लिया था कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर संबंधी शब्द जो है डेटा कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर की विशेषता क्या है कंप्यूटर के प्रयोग क्या है इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया था कंप्यूटर के कार्य क्या है डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है कंप्यूटर सिस्टम की बात कर ली थी इनपुट यूनिट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग इसकी भी अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी आउटपुट यूनिट में कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ है कंप्यूटर का इतिहास अपन ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में ये मैंने चर्चा आपके सामने कर ली थी मेरे दोस्तों कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है कंप्यूटर पी डी की भी अपन ने बात कर ली थी मेरे दोस्तों और इनकी विशेषताओं को अपन ने बात पूरी डिटेल से ये मैंने आपको बता दिया था इसमें और कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण ये अपन ने पूरा कर लिया था इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस थी ये भी अपन ने पढ़ ली थी कीबोर्ड के कौन कौन से पार्ट हैं ये भी मैंने आपको बताया था मेरे मित्रों कुछ मोडिफायर की के बारे में भी बात करी थी अपन ने ये पिछली बार अपन ने चर्चा कर ली थी आउटपुट डिवाइस कौन सी है इनके बारे में अपन ने बात कर ली थी मेरे मित्रों मेमोरी के अपन ने बात कर ली थी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी क्या है सेकेंडरी मेमोरी क्या है इनकी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में सिस्टम यूनिट के बारे में अपन ने बात कर ली थी डिजाइन टूल्स के बारे में लैंग्वेज के बारे में अपन ने बात कर ली थी पिछली क्लास में डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति के बारे में बात कर ली थी कंप्यूटर कोड्स की बात कर ली थी ये भी अपन ने चर्चा कर लिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी बात अपन ने कर ली थी कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है इनकी चर्चा करी थी डिवाइस ड्राइवर की बात कर ली थी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की बात कर ली थी अपन ने यह भी अपन ने चर्चा कर ली थी पिछले क्लास में डेटा संचार की चर्चा करेंगे आज अपन डेटा संचार की चर्चा करेंगे आज अपन डेटा संचार की चर्चा करने वाले हैं डेटा संचार डेटा कम्युनिकेशन इसकी अपन चर्चा करेंगे डेटा कम्युनिकेशन की बात करें डेटा संचार के लाभ क्या क्या है देखो पहले सबसे पहले संचार चैनल के प्रकार ठीक है संचार चैनल के प्रकार कौन कौन से हैं तो आपसे पूछा जा सकता है मेरे मित्रों संचार चैनल के प्रकार तो याद रखना सिंपल सिंपलैक्स चैनल अर्ध डुप्लेक्स चैनल और पूर्ण डुप्लेक्स चैनल तीन प्रकार का होता है संचार चैनल के प्रकार की अपन चर्चा करें तो ये तीन प्रकार का होता है संचार चैनल तीन प्रकार का होता है मेरे मित्रों सिंपल लेक्स चैनल होता है हाफ डुप्लेक्स चैनल होता है फुल डुप्लेक्स चैनल होता है तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है आपसे पूछे जा सकते हैं याद रखना संचार चैनल के टाइप्स की अब बात करें संचार चैनल के प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार का होता है लेक्स चैनल हाफ डुप्लेक्स चैनल फुल डुप्लेक्स चैनल ये चीज आपको याद रखना है सबको राधे राधे गुड मॉर्निंग सबको तो संचार चैनल के प्रकार तीन होते हैं सिंप्लेक्स चैनल अर्ध डुप्लेक्स चैनल पूर्ण डुप्लेक्स चैनल ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं आराम से देख लो एक बार इसको संचार चैनल के प्रकार तीन हैं सिंप्लेक्स चैनल अर्ध डुप्लेक्स चैनल जिसको हाफ डुप्लेक्स चैनल बोलते हैं और फुल डुप्लेक्स चैनल क्लियर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड अब बात करेंगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड के बारे में सबसे पहले कम्युनिकेशन माध्यम क्या क्या हो सकता है डाटा कम्युनिकेशन मीडियम क्या क्या हो सकते हैं मेरे मित्रों तो एक होती है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन कम्युनिकेशन के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं तो कम्युनिकेशन के माध्यम में सबसे पहले स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन होती है को एक्सीएल केबल होती है एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है मेरे मित्रों और एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपग्रह संचार प्रणाली होती है एक ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं प्रकाशीय तंतु संचार के जो माध्यम होते हैं जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो कम्युनिकेशन किस किस के माध्यम से कर सकते हैं अपन स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के माध्यम से कर सकते हैं को एक्सएल केबल के माध्यम से कर सकते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के माध्यम से कर सकते हैं उपग्रह संचार सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन के जो माध्यम है इनके नाम आपको याद रखना है इनके नाम आपको याद रखना है पीडीएफ प्रिय पांडे डाल तो दी थी मैंने पहले इधर ध्यान दो कम्युनिकेशन माध्यम जो है इनके नाम याद करो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन कोएक्सियल केबल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर ये सारे नाम आपको याद करने हैं पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन का माध्यम है और निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है तो ये सारे नाम याद रख लो आप स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन को और इसी प्रकार से आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मेन की पॉइंट जो है वो कराऊंगा कोएक्सियल केबल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सैटेलाइट और प्रकाशीय तंतु इसके अलावा देखो नेटवर्क है प्रोटोकॉल है नोड है शर्वर है टर्मिनल है डम टर्मिनल है ये नाम सारे याद रखने हैं मेरे मित्रों नेटवर्क है प्रोटोकॉल है नोड है शर्वर है टर्मिनल है डम टर्मिनल है ये नाम सारे आपको ध्यान रखने हैं ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है डाटा कम्युनिकेशन मीडियम है ये नेटवर्क है प्रोटोकॉल है नोड है शर्वर है टर्मिनल है डम टर्मिनल है सारे नाम याद रखने हैं ये सारे नाम याद करो एक बार नेटवर्क प्रोटोकॉल नोड शर्वर टर्मिनल डम टर्मिनल ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है चले आगे नेक्स्ट नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क के लिए आवश्यक है नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित है जो नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से उपकरण नेटवर्क के लिए आवश्यक है नेटवर्क स्थापित करने के लिए कुछ मुख्य उपकरण है जैसे रिपीटर्स है हब है स्विच है राउटर्स है गेटवे है एक बार नाम याद करो इनको अगले पेज पे चलेंगे रिपीटर्स है हब है स्विच है राउटर्स है गेटवर्क गेटवे है ये सारे नाम याद करो नेटवर्क स्थापित करने के मुख्य उपकरण है ये हाँ ये ध्यान रखना है रिपीटर्स है हब है स्विच है राउटर्स गेट है गेटवे है नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क ये आपसे कई बार एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछता है कई बार फुल फॉर्म पूछता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एल ए एन स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क टवर्किन यानी डब्ल्यू एन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं एम ए एन इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में खूब आती है इसकी एग्जाम की फुल फॉर्म खूब आती है तो सबसे जो छोटा है वो लोकल एरिया नेटवर्क है और सबसे बड़ा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है ये एग्जाम में क्रम भी पूछता है इनका इनका क्रम भी आपसे पूछता है इनका एग्जाम में क्रम पूछता है मेरे मित्रों तो आपको याद रखना है एल ए एन याद रखना मेरे मित्रों W ए एन और एम ए एन ये क्रम भी आपको याद रखना है ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है और इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है चंचल साहू जी राधे राधे प्रिया जी राधे राधे ध्यान रखना है ये क्रम याद रखना और इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है एक ऐसे भी पूछता है कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है तो दे देगा आपको लैन वैन मैन कैन ऐसे भी दे, दे देगा आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे, दे, दे देगा तो ये आपको तीन याद रखना है ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क व्हाइट एरिया नेटवर्क मेट्रो पोलिटियन एरिया नेटवर्क नेटवर्क टोपोलॉजी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ये भी पूछता है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है कई बार आया हुआ एग्जाम में है मैश नेटवर्क स्टार नेटवर्क रिंग नेटवर्क बस नेटवर्क ये चार नाम आपको याद रखना है आपसे पूछता है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है और कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है तो ध्यान रखना है मैस नेटवर्क टोपोलॉजी है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी है बस नेटवर्क टोपोलॉजी है स्टार का मतलब अगर एक साथ नेटवर्क के साथ में तारे की आकृति में जोड़ा जाए या रिंग की आकृति में जोड़ा जाए या बस की आकृति में कंप्यूटर को जोड़ा जाए ठीक है ना तो ये उनके नाम पर पड़ते हैं बस जैसी आकृति को बस इस बोलते हैं रिंग जैसी को रिंग बोलते हैं स्टार जैसी को स्टार बोलते हैं तो ये चार नाम आपको याद रखना है मैस स्टार रिंग और बस ये टोपोलॉजी है नेटवर्क की टोपोलॉजी है क्लियर है नेक्स्ट मोडुलेशन मोडुलेशन की अपन बात करें तो मोडुलेशन ये के तीन टाइप्स होते हैं तीन चरण होते हैं आयाम होता है आयाम मोडुलेशन होता है आवर्ती फ्रीक्वेंसी मोडुलेशन होता है और एक होता है फेज जिसको चरण मोड्यूलेशन बोलते हैं याद रखना है तो तीनों अब मोड्यूलेशन में क्या क्या होता है मेरे मित्रों आपको याद रखना है आयाम होता है आवर्ती होता है चरण होता है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा मोड्यूलेशन नहीं है निम्न में से कौन सा मोडुलेशन नहीं है याद रखना है एम्पलीट्यूड होता है फ्रीक्वेंसी होती है फेज होता है ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है मॉड्यूलेशन के तीन नाम आपको याद रखना है क्लियर है मॉड्यूलेशन में क्या क्या है आयाम आवर्ती चरण डेटा ट्रांसमिशन सेवा डेटा ट्रांसमिशन सेवा कौन कौन आपको डेटा ट्रांसमिशन सेवा उपलब्ध करा रहा है समझ में है ना कौन-कौन आपको डेटा ट्रांसमिशन उपलब्ध कराता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड समझ में विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल जिसको बोलते हैं और एक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये नाम याद रखना है बी एस एन एल बी एस एन एल और एम टी एन एल ये नाम आपको याद रखने हैं ये आपको डेटा ट्रांसमिशन सेवा उपलब्ध कराते हैं और इनका नाम वी एस एन एल का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये चीज आपको ध्यान रखना है सबको राधे कृष्ण इसकी पीडीएफ मैंने डाली है की पॉइंट अगर आप चले जाओगे याद करके तो आपका मामला सेट है डेटा ट्रांसमिशन सेवा निम्नलिखित है अब कौन कौन सी डेटा ट्रांसमिशन सेवा है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी डेटा ट्रांसमिशन सेवा है डायल अप लाइन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और मेरे मित्रों लीज लाइन एकीकर सेवा डिजिटल नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क आई एस डी एन आई एस टी एन समझ में डिजिटल सब्सक्राइब लाइन डायल अप लाइन और लीज लाइन ये नाम आपको याद रखने हैं डेटा ट्रांसमिशन सेवा पूछा जा सकता है आपसे और इसकी आई एस डी एन की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है डी एस एल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो डायल अप लाइन डिजिटल सब्सक्राइब लाइन लीज लाइन और मेरे मित्रों इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क ये आपको याद रखने हैं और इन दो की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है डीएसएल और आई इनकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है आपसे पूछ सकता है वेरी गुड मुस्कान जी बहुत बढ़िया ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको डायल अप लाइन अरे सिंपल सिंपल इसको ऐसे जैसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कौन सी है एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा डेटा ट्रांसमिशन निम्न में से कौन सी डेटा ट्रांसमिशन सेवा है और ये की पॉइंट इसलिए बनाए कि अभी तक जितने भी पेपर किए हैं ना अपन जितने भी मैंने आपको फर्स्ट पेपर की क्लासेस सुबह जो ली है उनमें सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आ रहे हैं पुराने पेपर चल रहे हैं वो मैं सुबह कराता हूँ ओल्ड पेपर है तो उसमें सीधा आता है डेटा ट्रांसमिशन निम्न में से कौन सा है ध्यान रखना है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी ठीक है वायरलेस टेक्नोलॉजी आप जानते हो क्या होती है बिना तार की सेवा वाई वाई मैक्स वर्ल्ड वाइड इंटर इंटर इंटरप्रोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव वाई मैक्स इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है वाई मैक्स की फुल फॉर्म इंट्रो इंट्रोप्रोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस वाई मैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है वर्ल्ड गी वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसएस इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना है फुल फॉर्म याद रखना है इसकी फुल फॉर्म याद रखना है मेरे मित्रों आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है वायरलेस लोकल लूप इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है वायरलेस लोकल लूप वायरलेस लोकल लूप डब्ल्यू एल एल इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती ये है ये इसलिए लिखी हुई है ये आपसे फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है ठीक है ना डब्लू एल एल का मतलब होता है वायरलेस लोकल लूप ये फुल फॉर्म याद रखना है आपको वायरलेस लोकल लूप इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है इनकी फुल फॉर्म याद रखना है वायरलेस टेक्नोलॉजी ये तो लिखा ही हुआ है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एन आई सी फुल फॉर्म याद रखना है एन आई सी की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनकी फुल फॉर्म याद रखना है आपको एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ठीक है पीछे कुछ नहीं है तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी ठीक है और वर्ल्ड वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एस एस और वायरलेस लोकल लूप ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है मेरे परम मित्रों पूछेगा अब बात करेंगे इंटरनेट इंटरनेट की बात करें अपन मेरे मित्रों तो इंटरनेट के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं इंटरनेट के आवश्यक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ठीक है इंटरनेट के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है सबसे पहले पीसी की आवश्यकता होती है पर्सनल कंप्यूटर की फिर इसके लिए मोडम की आवश्यकता होती है फिर संचार के माध्यम की आवश्यकता होती है इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है याद रखना है ये तो इंटरनेट के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एक जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया जिसे हम पीसी बोलते हैं एक मोडम संचार का माध्यम इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर याद करो इनको <coughs> याद कर लो एक बार इनको देख लो आप देखो एक मोडम है इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं नेटस्किप नेविगेटर होता है याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है मोजिला फायरफ़ॉक्स होता है और मोजेक होता है याद रखना एन सी एस ए मोजेक ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कई बार सुबह करवाया अपन ने सुबह सुबह कई बार करवाया है क्वेश्चन इंटरनेट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं या वेब ब्राउजर पूछता है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है या कौन सा इंटरनेट सॉफ्टवेयर है नेटस्केप नेविगेटर होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है मोजिला होता होता है, मेरे होता है। मेरे मित्रों, ये नाम याद कर लो सारे चारों नाम याद होने चाहिए आपको और पीडीएफ मैंने डाली है आप लोगों को तो ये चार नाम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सॉफ्टवेयर है या नहीं है वेब ब्राउजर के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना तो वेब ब्राउजर के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना ठीक है इंटरनेट के उपयोग किस किस में है आज इंटरनेट का उपयोग किस किस में है तो इंटरनेट का उपयोग देखो सूचनाओं की खोज करने के लिए हमको आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए आवश्यक है दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए आवश्यक है टेल नेट के लिए आवश्यक है यूज नेट के लिए आवश्यक है नाम याद करो इनका इंटरनेट के उपयोग के लिए या आ, याद करो सूचनाओं की खोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्ता वार्तालाप करने के लिए चैट करते हो आप किसी व्हाट्सएप से चैट करो चाहे टेली, इंस्टाग्राम से करो टेलीग्राम से करो बिना नेट के चैट नहीं होती है टेन नेट है नेट है अगला है वर्ल्ड वाइड वेब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए ई कॉमर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ऑनलाइन खरीदारी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए लर्निंग के लिए इन सब के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता है इन सब के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता है इंटरनेट की आवश्यकता इन सब के लिए तो इंटरनेट के निम्नलिखित उपयोग है इन के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं वर्ल्ड वाइड वेब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कॉमर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन खरीदारी मनोरंजन आप फेसबुक चलाने लग जाते हो यूट्यूब चलाने लग जाते हो तो इन सब के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता होती है इंटरनेट संबंधी शब्दावली इंटरनेट संबंधी शब्दावली ठीक है यू आर एल खूब बार परीक्षा में इसकी फुल फॉर्म पूछा हुआ है ठीक है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है टी सी पी या आई पी ट्रांसमिशन कंट्रोल याद रखना है ट्रांसमिशन कंट्रोल याद रखना है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अपलोड डाउनलोड गेटवे ये इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है पहले पांच के नाम याद करो फिर आगे बढ़ेंगे इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछता है और कई बार पूछा हुआ है ये नाम याद करो इनकी फुल फॉर्म भी याद करनी है शब्दावली है यू आर एल की कई बार फुल फॉर्म पूछी है टीसीपी की फुल फॉर्म पूछी हुई है आईपी की फुल फॉर्म पूछी हुई है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस, आई पी एड्रेस एच टी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी कई बार फुल फॉर्म आई हुई है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है ठीक है ना स्पैम डोमेन नेम प्लैस और मेरे मित्रों इस, स्पिंग और वायरस याद रखना है ये सारे नाम आपको याद रखना है और इसकी तो कई बार फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा है आईपी एड्रेस पूछ लिया कई बार डोमेन नेम भी पूछा हुआ है प्लस भी पूछा हुआ है आईपी एड्रेस है एच टी टीपी है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्पैम है डोमेन नेम है फ्लैश है सर्फिंग है वायरस है नाम याद रखने हैं क्लियर नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं अब कंप्यूटर वायरस कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर वायरस के नाम पूछ सकता है कंप्यूटर वायरस कौन कौन से प्रकार के होते हैं बूट सेक्टर वायरस होता है परजीवी वायरस होता है मल्टी पार्ट मल्टीपार्टियट वायरस होता है लिंक वायरस होता है मैक्रो वायरस होता है ये नाम आपको याद रखने हैं निम्न में से कौन सा वायरस है तो ये सारे बूट है परजीवी है मल्टीपार्टाइट है लिंक है और मैक्रो वायरस है ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे वायरस के अब आपको पूरे की पॉइंट दे रहा हूं याद कर लो इनको वायरस कौन कौन से होते हैं ये सारे वायरस हैं भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है कुछ कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित हैं ध्यान रखना है भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? हैप्पी बर्थडे जोशी है ध्यान रखना है कुछ वायरस और हैं सी ब्रेन है मंकी है वॉन होफ है माइकल एंग्लो है कीपर पर हैप्पी बर्थडे जोशी है याद रखना है भारत में सबसे पहले कौन सा दिखाई दिया था क्लियर है नेक्स्ट अब देखो अगला देखो ये सब क्या है ये वायरस है ये वायरस है मेरे मित्रों पासवर्ड है हैकर है फिशिंग स्कैम है सर्च इंजन है ये सब वायरस हैं ये वायरस के नाम है मेरे मित्रों ये सात नंबर आठ नंबर नौ नंबर दस नंबर ये नंबरिंग मिस्टेक है थोड़ा देख लेना इसको नंबरिंग मिस्टेक है ये वायरस के नाम डाल डाल के ऐसे करते हैं ये नंबरिंग मिस्टेक है थोड़ा ध्यान दे लेना तेरह चौदह पंद्रह सोलह सात आठ नौ दस हैं ये मल्टीमीडिया अब बात करेंगे मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर है याद रखना है मल्टीमीडिया क्या है हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है ध्यान रखना है मल्टीमीडिया क्या है हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है यह ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो मल्टीमीडिया क्या है हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मल्टीमीडिया क्या है हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है न हार्डवेयर है न सॉफ्टवेयर है ठीक है अब कौन कौन से हैं ग्राफिक्स एक्सलेटर कार्ड ग्राफिक्स एक्सलेटर कार्ड सी डी रोम ड्राइव साउंड कार्ड माइक्रोफोन तथा कैमरा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पहले इनके नाम याद करो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इनके नाम याद करो एक बार मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है ठीक है अब देखो ग्राफिक्स एक्सलेटर कार्ड है सीडी रोम ड्राइव है साउंड कार्ड है माइक्रोफोन और कैमरा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है हाँ दोनों हैं ये अब एग्जाम में सीधा आता है बच्चे गलत कर देते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है कुछ बच्चे मल्टीमीडिया को हार्डवेयर कर देते हैं ये बोथ है दोनों है और ये याद रखना कौन कौन से हैं ग्राफिक्स एक्सलेटर कार्ड है सीडी रोम ड्राइव है साउंड कार्ड है माइक्रोफोन कैमरा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया का उपयोग मल्टीमीडिया का उपयोग मल्टीमीडिया का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्र में होता है शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने में होता है व्यापार में होता है मनोरंजन में होता है विज्ञान के क्षेत्र में होता है पहले इनको याद करो याद करो एक बार इनको मल्टीमीडिया का उपयोग किसमें होता है चले आगे नेक्स्ट मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मल्टीमीडिया के निम्नलिखित एलिमेंट्स हैं टेक्स्ट है पिक्चर है मूवीज है, है और एनिमेशन है याद रखना है शब्द चित्र चलचित्र एनिमेशन ठीक है एनिमेशन में क्या होता है मेरे मित्रों एनिमेशन होता है जो जैसे आप अब ये क्लास चल रही है इसके नीचे पट्टी चलती हुई दिखाई दे आपको जैसे ये जो आपके आ, क्या बोलते हैं न्यूज चैनल वाले होते हैं उनके नीचे एक एड की पट्टी चलती है वो एनिमेशन होता है वो एनिमेशन होता है तो मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स याद रखना शब्द है चित्र है चलचित्र है एनिमेशन है ये एलिमेंट्स हैं सारे अब पूछता है सीधा निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया का एलिमेंट्स नहीं है तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों टेक्स्ट पिक्चर मूवी और एनिमेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अब बात करेंगे अपन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करेंगे देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे पहले एम एस विंडोज संबंधी शब्दावली, एम एस विंडोज रिलेटेड टर्म ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जी यू आई इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछता है याद रखना है जी यू आई इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे तो मेरे मित्रों याद रखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है आइकन होता है इंटरफेस होता है पहले याद करो इनको ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एम एस विंडोज संबंधी शब्दावली इनकी फुल फॉर्म पूछता है विंडोज डेस्कटॉप आप देखो डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन कौन कौन से हो सकते हैं कौन कौन से आइकन हो सकते हैं माय कंप्यूटर रिसाइकल बिन माय नेटवर्क प्लेस और माय डॉक्यूमेंट ये नाम आपको याद रखना है ये चार नाम आपको याद रखना है डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन है माई कंप्यूटर ठीक है रिसाइकल बीन, माई नेटवर्क प्लेस और माई डॉक्यूमेंट ये आपको जैसे ही आप खोलोगे ना आपकी विंडोज खोलोगे तो ये आपको दिखाई देंगे जैसे ही आप डेस्कटॉप खोलते हैं तो आपको ये आइकन दिखाई देते हैं माय कंप्यूटर है रिसाइकल वीन है ठीक है माय नेटवर्क प्लेस है माय डॉक्यूमेंट्स है ये आपको दिखाई देते हैं ध्यान रखना है जैसे आप डेस्कटॉप खोल के देखते हो ये चीजें सबसे पहले दिखाई देने वाली है तो डेस्कटॉप पर आइकन कौन कौन से हैं? माय कंप्यूटर है रिसाइकल वीन है माय नेटवर्क प्लेस है और माय डॉक्यूमेंट्स है टोक्सवार अब टोक्सवार की बात करेंगे तो टोक्सवार कौन कौन से होते हैं टोक्सवार पूछा जा सकता है लोक द ऑटो टॉक्स टोक्सवार ठीक है कीप द की ऑन टॉप ठीक है ग्रुप सिमिलर टोक्सवार बॉटम और शो क्विक लॉन्च शो द क्लॉक और हाइड इनएक्टिव आइकन्स ये नाम याद रखना है सारे नाम याद रखना है लोक ऑटो, कीप ग्रुप शो शो द द्लोक हाइड तो ये टॉक्स वार हैं सारे अब पूछ सकता है आपसे याद कर लो एक बार पढ़ लो इनको ये पूछेगा और पूछता है जब आप पेपर दे के आओ ना तब मुझे बताना कि इस पीडीएफ में से आईसीटी के कौन से सवाल मिले हैं इस पीडीएफ से आईसीटी के सवाल सारे मिलेंगे आपको स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट मेन्यू में देखो क्या क्या दिखाई देता है आपको प्रोग्राम दिखाई देते हैं फेवरेट दिखाई देता है डॉक्यूमेंट दिखाई देती है सेटिंग दिखाई देती है सर्च दिखाई देता है हेल्प का ऑप्शन दिखाई देता है रन का दिखाई देता है का दिखाई देता है टर्न ऑफ या शट डाउन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है तो स्टार्ट मेन्यू में ये चीजें आपको दिखाई देती है स्टार्ट मेन्यू में ये चीजें आपको दिखाई देती है टीचिंग एप्टीट्यूड कल करवाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड कल करवाएंगे अपन तो स्टार्ट मेन्यू में आपको क्या क्या दिखाई देते हैं प्रोग्राम है फेवरेट है डॉक्यूमेंट है सेटिंग है सर्च है हेल्प है रन है लोग ऑफ है टर्न ऑफ या शट डाउन है टाइटल बार स्क्रोल बार ठीक है मेन बार तो मेन जो मेन्यू बार के कुछ मुख्य विकल्प निम्नलिखित हैं। है इसके अलावा देखो ये क्या क्या होते हैं इसमें टाइटल बार होता है स्क्रोल बार होता है मेन्यू बार होता है मेन्यू बार में क्या होती है फाइल होती है एडिट होता है व्यू होता है हेल्प होता है ये ध्यान रखना है ये सब मेन्यू पार के कंपोनेंट्स हैं मेन्यू बार फाइल एडिट व्यू, हेल्प मेन्यू बार के प्रकार मेन्यू बार के प्रकार टाइप्स ऑफ मेन्यू पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू पुल अप मेन्यू ठीक है त्रिभुज और इल्पिस चेक चेकमार्क ग्रे विकल्प ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये मेन्यू बार के टाइप्स हैं ये सारे टाइप्स हैं मेरे मित्रों तो मेन्यू के प्रकार पुल या ड्रॉप डाउन मेन्यू पुल अप मेन्यू त्रिभुज और इलिप्स डॉट चेक मार्क्स ग्रे विकल्प टूल बार शॉर्टकट बटन डायलॉग बॉक्स, ये भी इसी के पार्ट है टूल बार है शॉर्टकट बटन है शॉर्ट की होती है ना जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल जेड समझ में आए ना तो वो शॉर्टकट की होती है डायलॉग बॉक्स ये सारे इसी के पार्ट है डायलॉग बॉक्स के कौन कौन से तत्व होते हैं डायलॉग बॉक्स के कौन कौन से तत्व होते हैं एक होता है ओके बटन होता है कैंसिल बटन होता है अप्लाई बटन होता है टैब होता है चेक बॉक्स होता है ऑप्शन बटन होता है कॉम्बो बॉक्स होता है टेस्ट बॉक्स होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स होता है स्पिन बॉक्स होता है इनमें से पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है डायलॉग बॉक्स के तत्व में से इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली बार डायलॉग डायलॉग बॉक्स के एलिमेंट्स इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है अब मैंने तो देखो आपको सारे की पॉइंट निकाल निकाल के जहां मेरा भरसक प्रयास हो सका था जो मैं कर सकता था वो आपको करवाने का पिछले पुराने पेपरों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने करवाने का एक प्रयास किया है आप लोगों के लिए हेल्प इन विंडो कंप्यूटर में दिन व समय बदलना ये तो सिंपल है इसमें कोई खास नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन के स्वरूप तथा बैकग्राउंड में परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन किसके माध्यम से कर सकते हैं अपन तो कंप्यूटर स्क्रीन के स्वरूप तथा बैकग्राउंड में परिवर्तन थीम्स होती हैं एक डेस्कटॉप होता है स्क्रीन सेवर होता है एप्रियंस होती है और सेटिंग होती है ध्यान रखना है ये परिवर्तन के साधन है सारे और इनको अगर तरीके से पढ़ के चले जाओगे ना तो मेरे मित्रों लगभग लगभग मामला आपका सेट हो जाएगा सारा निचोड़ आईसीटी का दे दिया है याद रखना है थीम्स डेस्कटॉप स्क्रीनशेवर एप्रियंस और सेटिंग विंडोज एक्सपी विंडोज एक्सपी कौन कौन सी हैं नाम याद रखना है अब ये पूछता है कौन सी विंडोज एक्सपी है ओपन एक्सप्लोर सर्च कट और पेस्ट और डिलीट अभी नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे मेरे दोस्तों ये नाम तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे रीनेम प्रॉपर्टीज रीड ओनली और हिडन प्रॉपर्टीज दो होती है एक तो पढ़ने योग्य और एक छुपी हुई ध्यान रखना है विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम कौन कौन से प्रोग्राम उपयोगी हैं विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम निम्नलिखित हैं विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम कौन कौन सी है देखो नोट पैड है वर्ड पैड है पेंट है कैलकुलेटर है फोन डायलर है देखो एक बार इनको विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम आप एक बार एग्जाम दोगे ना तब मुझे एक बार जरूर बताओगे कि सर जो पी थी आई वाली उसमें कितना बेनिफिट आपको मिला है इसमें मैंने पूरा निचोड़ पुराने पेपरों को ध्यान में रखकर देख के सारा की पॉइंट आप लोगों के लिए है नोट पैड है वर्ड पैड है पेंट है कैलकुलेटर है फोन डायलर है ये उपयोगी प्रोग्राम है इमेजिंग है मीडिया प्लेय प्लेयर है सीडी प्लेयर है ध्वनि रिकॉर्डर और वॉल्यूम कंट्रोल है मेरे मित्रों खेल गेम्स हैं क्लिप बोर्ड है अभी नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे तुम्हारे इतने नाम याद हो जाएं वो भी बहुत गनीमत है अब वहां से आपके पहले नेट में है ना बीस शब्द पचास शब्द सौ शब्द दो सौ शब्द 500 सौ शब्द के क्वेश्चन आया करते थे अब वो तो खत्म हो गए तो हम तो उस जमाने के हैं ठीक है अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा ध्वनि रिकॉर्डर क्या है बीस शब्द लिखो ठीक है वॉल्यूम कंट्रोल क्या है बीस शब्द लिखो मीडिया प्लेयर के बारे में बीस शब्द लिखो वो आपसे ये नहीं पूछने वाला चूल बार दृश्य होना ठीक है टूल बार दृश्य होना तो देखो किस किस में हो सकता है मेन्यू बार में व्यू पर क्लिक करते हैं इसके लिए प्राप्त पुल डाउन मेन्यू में टूल बार का चयन करते हैं तत्पश्चात प्राप्त मेन्यू से स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग तथा ड्राइंग इत्यादि का चयन करते हैं देखो टूल बार दृश्य होना क्रम क्या है टूल बार दृश्य के लिए क्या क्रम है सबसे पहले हम मेन जो मेन्यू बार है उसमें व्यू पर क्लिक करेंगे फिर पुल डाउन मेन्यू में टूल बार का चयन करेंगे उसके बाद में मेन्यू से स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग तथा ड्राइंग आदि का चयन करेंगे पहले देखो एक बार इसको क्रम पूछा जा सकता है और फिर अब देखो नए दस्तावेज को बनाना यहां पे ये ध्यान रखना है ये क्रम पूछा जा सकता है मेन्यू बार में पर क्लिक करना, पुल डाउन मेन्यू में टूल बार का चयन करना मेन्यू से स्टैंडर्ड न्यू का चयन तो करते, करते हैं खाली दस्तावेज यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का चयन करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट में प्रदान टेम्पलेट पर आधारित दस्तावेज बनाने के लिए अपने अनुसार चयन करते हैं देखो एक बार इसको नए दस्तावेज को सुरक्षित रखना सुरक्षित रख सकते हो सेव करके फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट किसी दस्तावेज के टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है टेक्स्ट जिसे फॉर्मेटिंग करना है उसे लेफ्ट माउस बटन द्वारा क्लिक कर पकड़े हुए यानी कि होल्डिंग डाउन हाईलाइट करते हैं अपनी इच्छा अनुसार फिर टेक्स्ट में परिवर्तन कर सकते हैं तो टेक्स्ट के लिए क्या है टेक्स्ट जिसे फॉर्मेटिंग करना है उसे लेफ्ट माउस बटन द्वारा क्लिक कर पकड़े हुए हाईलाइट करते हैं जिसको भी आप होल्ड करते हो उसको हाईलाइट करते हैं और फिर उसको अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं अभी यहाँ पे लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है लेफ्ट से करना है या राइट से करना है दस्तावेज में टेबल डालना तो टेबल तो इंसर्ट कर सकते हो दस्तावेज में चित्र डालना आप आराम से डाल सकते हो इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं वहाँ पे इंसर्ट टेबल कर सकते हैं कोई भी एडिट करके जैसे आपने सेपरेट सीट खोल ली उसको एडिटेबल कर लिया और उसमें कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स डालना है या कुछ भी डालना है तो उसको इंसर्ट करके कर सकते हैं प्रश्न संख्या तथा तिथि या समय डालना ठीक है मेन्यू बार में इंसर्ट विकल्प का चयन कर क्लिक करते हैं वहां एक एक कर पेस्ट तथा डेट एंड टाइम का चयन करते हैं ये एक एक बार ही होता है एक साथ पेस्ट नहीं कर सकते इसको अगर आपको डेट डालना है टाइम डालना है टाइम सेम टाइम है ना तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लेकिन टाइम अलग अलग है तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा फिर अलग अलग करना पड़ेगा और यदि आपको आ, कोई भी आपको डेट डालनी है तो वो भी अलग अलग होती है जैसे एक तारीख दो तारीख तीन तारीख उसको भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप उसको भी अलग अलग ही डालना पड़ेगा दस्तावेज में वर्तनी की जांच कैसे करोगे आप मेन्यू बार में टूल पर क्लिक करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करते हैं कई बार अपने से स्पेलिंग गलत हो जाती है ना जैसे आपको कोई भी स्पेलिंग लिखनी है राइट की स्पेलिंग लिखनी है या रीड की लिखनी है या आपको लैंग्वेज लिखनी है और आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो मैनू बार में टूल पर क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर पर विकल्प का चयन करके आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं वर्ड में फाइल ऑपरेशन ठीक है अब देखो वर्ड में फाइल ऑपरेशन की बात करें तो पुराना फाइल खोलना फाइल को कॉपी करना फाइल को दूसरी जगह ले जाना फाइल को नया नाम देना फाइल को मिटाना अंडो रिड्यू और फाइल को प्रिंट करना एम एस वर्ड में टेक्स्ट ऑपरेशन टेक्स्ट को ढूंढना टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करना टेक्स्ट केस में परिवर्तन करना चेंज केस हैडर तथा फटर बनाना ठीक है क्लिक आर्ट से चित्र को अपने दस्तावेज में लाना फुट नोट एंड नोट एवं रूलर तो देखो क्या क्या होता है इसमें फुट नोट होता है एंड नोट होता है रूलर होता है ठीक है मिटाने के लिए रूलर का प्रयोग करते हैं कुछ डालने के लिए फुटनेट का प्रयोग करते हैं दस्तावेज देखें कैसे देख सकते हैं सामान्य दृश्य से वेब लेआउट दृश्य से प्रिंट लेआउट से आउटलाइन से और रीडिंग लेआउट दृश्य से आप अपने डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं नॉर्मल व्यू से वेब लेआउट से प्रिंट ले सकते हैं उसका आउटलाइन से देख सकते हैं और रीडिंग लेआउट से देख सकते हैं काम काम की तो सारी आ गई इसमें दस्तावेज में विभिन्न रंगों के अंडरलाइन का अर्थ ठीक है लाल या हरी अगर आप अंडरलाइन करते हैं लाल या हरी अंडरलाइन करते हैं नीली अंडरलाइन नीला या दूसरे कलर के अंडरलाइन बैंगनी अंडरलाइन रेड और ग्रीन वे अंडरलाइन ये वे है रेड और ग्रीन वे अंडरलाइन ठीक है ब्लू वेल अंडरलाइन या वे है ये वे, ये है भी नहीं है वे है ये ठीक है ना ये वे है दस्तावेज में विभिन्न रंगों के अंडरलाइन का अर्थ तो देखो लाल हरी अंडरलाइन नीली अंडरलाइन नीली या दूसरे कलर के अंडरलाइन बैंगनी अंडरलाइन एमएस वर्ड से बाहर आना एग्जिट फ्रॉम एमएस वर्ड एमएस एक्सएल एमएस एक्सएल आरंभ करना सूत्र बनाना सेल में बॉर्डर जोड़ना और हाईलाइट करना सेपरेट सीट में चार्ट डालना सेपरेट सीट में चार्ट डालना सेपरेट सीट में आराम से चार्ट डाल सकते हैं एमएस पावर पॉइंट पावर पॉइंट स्क्रीन पावर पॉइंट में नोट जोड़ना पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जोड़ना तो पावर पॉइंट में हेडर और फूटर जोड़ने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा फिक्स एंड ऑटोमेटिक डेट्स साइड नंबर फूटर एप्लाई एप्लाई टू ऑल प्रीव्यू और नोट्स एंड हैंड हैंडट एमएसएक्सएल परिचय की बात करें तो डेटाबेस फाइल टेबल फील्ड डेटा टाइप एमएस एक्सएल में क्या क्या है डेटाबेस फाइल होती है टेबल होती है फील्ड होता है डेटा टाइप होता है एमएस एमएसएक्सिस uh, डेटाबेस एक्सिस फाइल टेबल बेस फील्ड बेस डेटा टाइप कुछ महत्वपूर्ण तो शब्दावली प्राथमिक की प्राइमरी की रिलेशनशिप की फॉर्म रिपोर्ट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटा डिक्शनरी डेटाबेस डायरेक्टरी बेस खत्म आईसीटी खत्म कल हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड कल की क्लास में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड करा दूंगा डेढ़ घंटे में हो चाहे दो घंटे में हो कल तीन बजे टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कंप्लीट करा दूंगा ठीक है ना थैंक यू आप सभी का इस पीडीएफ को पढ़ने का प्रयास करना जितना मेरा प्रयास था उतना आप लोगों के लिए मैंने किया है ठीक है और कुछ रह गया हो तो माफी चाहते हैं लेकिन उम्मीद यही है कि इसमें कुछ भी आपका छूटा नहीं है धन्यवाद आप सभी का